टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लाइकन्स। लाइकन्स जो होते हैं ये भी एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ऑल्दो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स का, लेकिन जब वो दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म एज अ यूनिट एज अ इंडिविजुअल रहेंगे तब उस ऑर्गेनिज्म को हम लाइकन कहते हैं। विटेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पांच किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्ट, प्लांट, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो लाइकन जो है उनके लिए उसमें कोई पोजीशन नहीं दी गई थी, क्योंकि लाइकन ना तो प्योरली क्या है, एल्गी है, ना प्योरली फंजाई है। तो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो टोटल दो ऑर्गेनिजम्स का एसोसिएशन है, एक फंजाई का और एक एल्गी का, यानी फंगल पार्टनर भी और एल्गल पार्टनर भी जब जॉइंटली या कलेक्टिवली एक जगह पर रहते हैं तो उसको हम कहते हैं लाइकन्स। अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर फंगल कंपोनेंट को अलग कर दिया जाए और एल्गी जो बचे उसको हम लाइकन नहीं कहेंगे, सिमिलरली अगर एल्गल पार्टनर को अलग कर दिया जाए और फंगस सर्वाइव करे तो उसको भी फिर हम लाइकन नहीं कहेंगे, फंगस कहेंगे। पूरे थैलस में इनकी भी बॉडी जो होती है वो थैलॉइड बॉडी होती है, यानी ना तो ये जो है हायर रूट स्टेम लीफ की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं ना ही जो हायर फंगस की तरह ऑर्गेनाइज होते हैं, थैलस लाइक बॉडी इनकी होती है, मेनली फंगस के ही जैसी बॉडी है क्योंकि फंगस की बॉडी भी थायराइड होती है। इनका जो मेन पार्टनर होता है यानी ज्यादा जो पोर्शन होता है मेजर पोर्शन वो होता है फंगस का। कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जहां फंगस के अंदर एल्गी के स्पोर आ गए और वो दोनों साथ रहने लगे, ठीक है। इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक आता है कि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। बहुत तरह के इंटर स्पीसीज इंटरेक्शन होते हैं, जब दो अलग अलग तरह की स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो एक दूसरे को बेनिफिट कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सिम्बायोसिस में पर्टिकुलरली दोनों स्पीसीज एक दूसरे को बेनिफिट करती हैं, दो स्पीसीज यानी कि यहाँ पर एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं लाइकन के अंदर। तो जो मेजर पार्टनर है उसको वो जो है फंजाई है, जो माइनर पार्टनर है वो एल्गी है। तो लाइकन के अंदर फंगल पार्टनर को कहते हैं फाइकोबायोंट, और एल्गल पार्टनर को फाइको का मतलब प्लांट, ठीक है। तो फाइकोबायोंट होता है एल्गी और माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस, तो माइकोबायोंट जो होता है वो होता है फंगस, क्योंकि एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोंट बोलते हैं। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस एंड द पार्टनर विच इज फंगस इज कॉल्ड माइकोबायोंट। तो टोटल दो पार्टनर होते हैं, मेजर पार्टनर जो होता है वो फंगस होता है। फंगस जो होंगी वो दो फैमिलीज की होती है मेनली, या तो एस्कोमाइसिटीज की, ये एक क्लास है फंगस का, या बेसिडियोमाइसिटीज। रेयरली कुछ ऐसे भी लाइकन है जिनके अंदर ड्यूट्रोमाइसिटीज मेंबर भी पाए जाते हैं, बट मेनली दो ही होते हैं, या तो एस्कोमाइसिटीज की फंगस होगी या बेसिडियोमाइसिटीज फंगस होगी। यानी जरूरी नहीं है लाइकन के अंदर सारे ही फंगस पाए जाएं, केवल और केवल या तो एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज। फाइकोबायोंट की अगर मैं बात करूं यानी एल्गल पार्टनर की, तो एल्गी के भी बहुत सारे क्लासेज है, मैंने आपको पढ़ाए भी हुए प्रीवियसली, उसमें से क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी और साइनोफाइसी, साइनोफाइसी इज द ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। तो एल्गी जो फंगस के साथ एसोसिएटेड है वो या तो क्लोरोफाइसी की मेंबर होती है या साइनोफाइसी की। सिमिलरली फंगस जो एल्गी के साथ एसोसिएटेड है टू फॉर्म द लाइकन इज ऑफ एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और समटाइम्स और रेयरली ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो एल्गल पार्टनर को फाइकोबायोंट, फंगल पार्टनर को माइकोबायोंट, एंड दे आर प्रेजेंट कलेक्टिवली। इट मींस नन ऑफ द पार्टनर कैन सर्वाइव इंडिविजुअली। इफ इवन इट कैन सर्वाइव इंडिविजुअली इट वुड बी कॉल्ड अ एल्गी और अ फंगस, नॉट द लाइकन। लाइकन केवल उसी केस में कहेंगे जब इनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। So, लाइकन के बारे में नॉलेज तो बहुत पहले से है। लाइकन का जो वर्ड है, लाइकन्स को इंट्रोड्यूस थियोफ्रस्टस ने ही कर दिया था। Theophrastus, who was the father of botany. So around 350 before Christ, लगभग 2400 साल पहले ही Theophrastus ने lichens के बारे में बताया था। Coin जो word है वो भी उन्होंने coin किया था।
लाइकन वर्ड वाज कॉइंड बाय द थियोफ्रस्टस इटसेल्फ। तो प्रेजेंट डे की बात करें तो लगभग 400 जेनेरा, जीनस एक सिंगुलर वर्ड है, जेनेरा उसका प्लूरल वर्ड है, 400 जीनस है और लगभग 15,000 स्पीसीज, 15K स्पीसीज जो है लाइकन्स की नॉन है। ये नहीं कहेंगे पाई जाती हैं, क्योंकि हो सकता है पाई तो बहुत सारी जाती हूँ जिनके बारे में अभी पता भी नहीं हो, लेकिन इतने स्पीसीज जो है वो नॉन है। 400 जीनस में 15,000 स्पीसीज। हैबिटेट की बात करते हैं, यानी कि लिविंग प्लेस की। देखो क्योंकि एक जॉइंट वेंचर है ये एल्गी का भी और फंगस का भी, तो मेनली उन सभी हैबिटेट्स में पाया जाएगा जहां एल्गी या फंगस पाए जाते हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल हैबिटेट भी होंगे क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी है, तो उनके अलावा भी ऐसे हैबिटेट हो सकते हैं जहां ये पाया जाए। तो सिमिलरली लाइक फंगस, क्योंकि फंगस भी कॉस्मोपॉलिटन है, लाइकन्स भी क्या है, कॉस्मोपॉलिटन, एक वर्ड आता है कॉस्मोपॉलिटन, यानी एल्गी में भी बताया था इसका मतलब होता है सर्वत्र, एवरीवेयर, ठीक है, या यूबिकिटस भी लिखते हैं इसकी जगह पे। तो इट इज फाउंड एवरीवेयर। तो एवरीवेयर की बात करें तो हर तरह के इकोसिस्टम में, यानी एक्वेटिक में भी, टेरेस्ट्रियल में भी, या स्पेशल जो कुछ हैबिटेट होते हैं वहां पे भी। बस एक कंडीशन ये है कि ये पॉल्यूशन में नहीं पाए जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, पॉल्यूटेड एरिया में, और स्पेशली एयर पॉल्यूशन जहां पर ज्यादा है वहां पर लाइकन्स एब्सेंट होते हैं। बायोलॉजी में एक वर्ड आता है, इकोलॉजी में इंडिकेटर स्पीसीज, वो स्पीसीज जो किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, चाहे प्रेडेशन को, चाहे किसी तरह के एनवायरमेंट को, या किसी तरह के हैबिटेट को, किसी भी चीज को इंडिकेट करें, वो स्पीसीज इंडिकेटर स्पीसीज कहलाते हैं। तो जो लाइकन्स होते हैं वो सॉइल क्वालिटी के इंडिकेटर हैं, सॉइल क्वालिटी के इंडिकेटर हैं। I was discussing the indicator species. देखो indicator species वो होते हैं, नाम से पता चलता है, जो किसी चीज को indicate करें। तो ये soil, sorry, soil नहीं बेटा, air quality, air quality को ये indicate करते हैं, ठीक है? मैंने पहले भी लिखा था air pollution, not soil, इसको correct करें। अगर air अच्छी quality की है तो वहां पर lichen मिलेंगे, इसका मतलब वो indicate कर रहे हैं air health को, कि वहां पर पाए जाने वाली gases या जो air है, mixture of gases, वो pure है, उसकी quality अच्छी है। अगर lichen नहीं पाए जाते, इसका मतलब वहां पर air pollution है, चाहे कम अमाउंट में हो या उससे ज्यादा अमाउंट में हो। तो ये इंडिकेटर स्पीसीज है, ये इसका एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। तो उसके अलावा हैबिटेट की बात करें तो जनरली इनहॉस्पिटेबल या अनइनहैबिटेड एरिया में भी ये पाए जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। इसका मतलब क्या अभी बताता हूं, इनहॉस्पिटेबल या अनइनहैबिटेड। जनरली लाइकन ऐसे एरिया में रहना पसंद करते हैं जहां हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, यानी जहां कॉलोनीज ग्रो नहीं हुई है इंसानों की या एनिमल्स की भी, ठीक है, या अनइनहैबिटेड एरिया है जहां पर हैबिटेशन किसी का नहीं हुआ है, जहां पर मेनली ह्यूमन कॉलोनीज नहीं है, जहां इंसान रहता नहीं। जैसे अल्पाइन रीजन की बात करें, मानो नॉर्थ पोल है जहां पर अल्टीमेटली आइस है, या साउथ पोल भी है, ठीक है, अंटार्कटिका पे वहां भी आइस है, तो ये इनहॉस्पिटेबल एरिया या अनइनहैबिटेड एरिया है। यहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह भी नहीं है, स्पीसीज अगर पाए भी जाते हैं तो बहुत कम, बहुत रेयर स्पीसीज पाए जाते हैं, जैसे कुछ पॉलर बियर या पेंगुइन वगैरह, तो उस एरिया में लाइकन जो है ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो टुंड्रा में, टुंड्रा एक बायोम है नॉर्थ पोल पर, आइस से कवर्ड बायोम है। टुंड्रा में वेजिटेशन के नाम पर, टुंड्रा इज अ बायोम, अगेन आई एम रिपीटिंग, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जहां पर पेड़ वगैरह नहीं पाए जाते, लेकिन वहां पर वेजिटेशन के नाम पर लाइकन्स ज्यादा पाए जाते हैं। ये उनकी कुछ फेवरेट एरिया है या ज्यादा एरिया जहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है। बैरन रॉक्स पर, बेयर रॉक्स पर, ये भी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे इसका इंपॉर्टेंस। देखो एक होता है प्राइमरी सक्सेशन और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है किसी ऐसे एरिया में जहां पहले कभी वेजिटेशन नहीं थी, मानो ये एक बिल्कुल बेयर रॉक है, ये कोई रॉक है जो लावा से बनी है, ठीक है, मानो ये कोई इग्नेस रॉक है, इस रॉक पर पहले कभी भी कोई ट्री या पेड़ या कुछ भी नहीं रहा था, कोई कॉलोनी, यहाँ पर लाइकन का स्पोर आता है सबसे पहले, ओके। लाइकन के ये स्पोर यहाँ सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को इकेसिस कहते हैं, सक्सेशन में एक स्टेप आता है इकेसिस, सक्सेसफुली जर्मिनेट हो जाना किसी भी स्पोर का, चाहे लाइकन, फंगस, कुछ भी। तो लाइकन यहाँ सक्सेसफुली जर्मिनेट भी होते हैं, साथ ही साथ इसको ब्रेक डाउन करके रॉक को धीरे धीरे पेडोजेनेसिस के थ्रू यहाँ सॉइल भी बनाते हैं, यानी यहाँ पर मिट्टी भी बनाते हैं,
फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड पेडोजेनेसिस। अब लाइकन देखो कितना काम करके दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ मिट्टी बन जाएगी तो कल को यहाँ ह्यूमिडिटी भी आएगी और उसकी वजह से यहाँ पर नए कॉलोनीज यानी यहाँ पर वेजिटेशन ग्रो होगी। तो सबसे पहली स्पीसीज जो आती है कहीं भी प्राइमरी सक्सेशन में, प्राइमरी का मतलब जहां पहले कुछ नहीं था वहां वेजिटेशन आना, सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब मानो कोई जंगल था, आग लगने से तबाह हो गया, आज वो बेयर हो गया, कल को उसमें फिर से वेजिटेशन आएगी, तो जब वेजिटेशन आएगी तो वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाएगा, क्योंकि पहले वहां ऑलरेडी वेजिटेशन कभी ना कभी थी, हजार दो हजार दस हजार या लाख साल पहले। लेकिन प्राइमरी सक्सेशन का मतलब वहां जीवन में कभी भी पहले वेजिटेशन नहीं थी। तो प्राइमरी सक्सेशन में पायोनियर स्पीसीज, पायोनियर का मतलब होता है सबसे पहली जो कम्युनिटी होती है वो लाइकन ही होते हैं। तो लाइकन का एक ये भी फेवरेट जगह है, टुंड्रा या आइस के अलावा रॉक्स जो होती हैं ये भी इनका एक इंपॉर्टेंट प्लेस है या फेवरेट प्लेस। ठीक है, इसके अलावा सैंड में भी पाए जाते हैं ये, मैंने पहले बताया कॉस्मोपॉलिटन है, वॉल्स पर भी पाए जाते हैं उस एरिया की वॉल्स में, जैसे नॉर्थ कंट्री जो है, नॉर्थ पोल पर जो कंट्री है वहां पोल्यूशन बहुत कम है, तो उनके बार्क पर, ठीक है, पेड़ों की छाल पर भी ये पाए जाते हैं, खिड़कियों में, ट्रीज पर, पत्तों पर, तो बहुत सारी जगह पर जनरली ये पाए जाते हैं और फंगस की ही तरह प्रिफर करते हैं ह्यूमिड कंडीशंस को। तटीय क्षेत्र पे भी पाए जाते हैं, चाहे नदी का तट हो चाहे ओशन सीज के तट हो, वहां भी जनरली ये क्या है पाए जाते हैं लाइकन्स। लाइकन्स जो होते हैं बेटा उनको जनरली, कुछ लाइकन्स को मॉस भी बोला जाता है, ठीक है, कुछ लाइकन्स के पीछे मॉस वर्ड लगाया जाता है, तो इन रियली में मॉस ब्रायोफाइट होते हैं, आई मस्ट टेल यू, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनको मॉस कहते हैं। ब्रायोफाइट में भी दो कैटेगरी है, ग्रेफाइट एक होते हैं लीवर वॉर्ट्स और एक होते हैं मॉसेस। प्लांट किंगडम में ही एक डिवीजन होता है ब्रायोफाइट, जैसे एल्गी, जैसे ब्रायो, जैसे टेरिडो, जैसे जिम्नो या एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट में भी लोअर ब्रायोफाइट्स को लीवर वॉर्ट्स कहते हैं, जो थैलोइड बॉडी होते हैं, एल्गी के ही जैसे दिखते हैं, और हायर ब्रायोफाइट्स को मॉसेस कहते हैं, जिनमें ट्रू रूट स्टेम लीफ तो नहीं है लेकिन बॉडी एडवांस्ड है उनकी। तो इन रियली मॉसेस ये होते हैं, लेकिन दो तीन ऐसे लाइकन है जिनके पीछे मॉस लगाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लाइकन ब्रायोफाइट हो गए, ठीक है, वो एक्सेप्शन से मैं बता भी देता हूं। कुछ ऐसे लाइकन जिनके पीछे मॉस लगता है, जैसे कि रेनडियर मॉस, इन रियली इट इज अ लाइकन नॉट अ ब्रायोफाइट। एक लाइकन होता है क्लेडोनिया रेंजी फेरिना, ऐसे ही एक होता है आइसलैंड मॉस। सो आइसलैंड मॉस इज आल्सो अ लाइकन नॉट अ ब्रायोफाइट। सिट्रेरिया आइलैंडिका इसका बॉटनिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है। रेनडियर मॉस जो होता है ये रेनडियर का फूड है, सेंटा क्लॉज का जो व्हीकल होता है आपने देखे होंगे, हिरण के जैसे दिखते हैं रेनडियर, जो आइस में पाए जाते हैं, स्नो में पाए जाते हैं, उनका जो फूड है वो है ये मॉस, रेनडियर मॉस। यानी वो क्या खाते हैं, वो वेजिटेशन खाते हैं, वो भी लाइकन, तो इसलिए इसको रेनडियर मॉस कहते हैं, साइंटिफिक नाम है इसका क्लेडोनिया। ऐसे ही नॉर्थ पोल पर आइसलैंड जो एरिया है नॉर्वे की तरफ या स्वीडन की तरफ, वहां पर जो मॉस पाए जाते हैं आइसलैंड में, द साइंटिफिक नेम इज सिट्रेरिया आइलैंडिका, उसको हम क्या कहते हैं, आइसलैंड मॉस कहते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट लाइकन नॉट द मॉसेस। लाइकन्स का जो ग्रोथ होता है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है, यानी मान लीजिए कोई लाइकन आज 10 फीट तक फैला हुआ है, इसका मतलब वो काफी साल पुराना है, बहुत सालों में वो इतना डिस्ट्रीब्यूट हो पाया है। कुछ लाइकन तो इवन माने जाते हैं 4000 साल पुराने हैं। सो यू कैन इमेजिन दैट द ग्रोथ और द ग्रोथ रेट ऑफ द लाइकन इज वेरी स्लो। सी दिस इज द स्नो दैट इज कवर्ड बाय द आइसलैंड मॉस। ये जो पूरा हमें दिख रहा है ये ग्रीन अपीयरेंस, इट इज अ लाइकन।
अब एक सिंगल लाइकन नहीं है, बहुत सारे लाइकन होते हैं। एक लाइकन तो माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा होगा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक तो नहीं कहेंगे, नेकेड आई से खैर दिख जाता है, लेकिन साइज बहुत छोटा होता है लाइकन का, एक इंडिविजुअल लाइकन का। तो ये लाइकन की कॉलोनीज है, और थ्रू आउट द पोल्स, नॉर्थ पोल की तरफ जो आइस है, मेनली आइसलैंड एरिया में, उसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है। यहाँ पर भी देख सकते हो, ये भी आइसलैंड मॉस है, ठीक है। तो ये सारा जो है साइंटिफिकली सिट्रेरिया है, जिसको आइसलैंड मॉस भी कहते हैं, और इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसने स्नो से कवर किया हुआ है। कुछ और पिक्चर्स भी आप गूगल करके देख सकते हैं आइसलैंड मॉस की। दिस वन इज ऑल्सो आइसलैंड मॉस, आइलैंड कह सकते हैं, आइसलैंड कह सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली आइसलैंड कहेंगे, बिकॉज आई एस नहीं है, आइलैंड मॉस नहीं है, आइसलैंड मॉस हम कहेंगे। सी दिस इज रेनडियर मॉस, दिस वन, ये भी अल्पाइन रीजन्स में पाए जाते हैं, टुंड्रा रीजन्स में पाए जाते हैं, जहां टेम्परेचर बहुत कम होता है और जहां पर रेनडियर्स पाए जाते हैं। व्हाट इज रेनडियर? द व्हीकल ऑफ द सेंटा क्लॉज, देखे होंगे आप सबने, जो कार्ट, जो गाड़ी होती है उसको खींचते हैं, जो वो रेनडियर होते हैं, तो उनका फूड है ये रेनडियर मॉस। साइंटिफिकली दिस इज क्लेडोनिया, ठीक है, क्लेडोनिया इसका साइंटिफिक नेम है, जनरल नेम इसका रेनडियर मॉस है। एक और लाइकन दिखा देता हूँ जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अस्निया उसे कहते हैं, ओल्ड मैन्स बियर्ड, अस्निया। तो इसको भी बूढ़े आदमी की दाढ़ी के जैसा ये दिखता है, इसलिए इसे ओल्ड मैन बियर्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दिस वन, दिस इज अस्निया, ये क्रस्टोज लाइकन है, नॉट क्रस्टोज सॉरी फ्रूटिकोज, फ्रूटिंग बॉडी की तरह, जैसे फ्रूट लटकता है अपने पेड़ से, ऐसे ही ये भी देखिए ऐसे लटके हुए हैं, इन्हें फ्रूटिकोज लाइकन कहते हैं। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रूटिकोज तो फ्रूटिंग बॉडी की तरह ही ऐसे लटकते हैं। दिस वन व्हाइट कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, इसकी वजह से जंगल में आग भी लगती है, फॉरेस्ट फायर जो होते हैं, क्योंकि हाईली इनफ्लेमेबल है, ठीक है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर राइज होते ही आग पकड़ लेता है और जंगलों को जला देता है। तो ओल्ड मैन्स बियर्ड बोला जाता है इसे, क्योंकि दिखता है बूढ़े आदमी के जैसा, उसके दाढ़ी के जैसा। सो दिस वन इज द अनदर कॉमन लाइकन। Next we will talk about the structure of the lichens. So since lichen is made up of the fungus as well as the algae, so structure is thalloid. Thalloid body होती है, but that thalloid body may be of mainly three types. वो जो thalloid body है, जो thallus like structure है, वो तीन तरह का हो सकता है। One is crustose. That type or that structure will be called crustose lichen. Another one is the folios, leaf-like, folios lichen. And the third one, which I have told you earlier about the asnia, that is the fruticose lichen. Three forms mein lichen exist karta hai, teen tarah ke form mein, crustose lichen, folios lichen aur fruticose lichen. So ye jo thallus body hai, ठीक है, इसका ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि लाइकन है किस तरह का। क्रस्टोज का मतलब है क्रस्ट लाइक, एक फिल्म होती है जो अपने सबस्ट्रेटम से, सबस्ट्रेटम का मतलब है जिसके साथ अटैच है बॉडी, लाइकन की बॉडी जिस सबस्ट्रेटम से अटैच है उस पर एक फिल्म फॉर्म करती है। अब फिल्म का मतलब एक थिन लेयर, एक एवरीडे लाइफ से कॉमन एग्जांपल की बात करें तो जैसे सिल्वर वर्क किया जाता है बर्फी के ऊपर, जो हम स्वीट्स खाते हैं, मेनली जैसे काजू कतली आपने खाई होगी, उसके ऊपर एक फिल्म सी लगी होती है। तो अटैचमेंट जो होता है थैलस का, वो सेवरल प्लेसेस पर होता है, और सेवरल प्लेसेस भी इतने ज्यादा कि इवन पूरी फिल्म एक बनी हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि थैलस पर्टिकुलरली सबस्ट्रेटम से कहां से अटैच है, मानो ये सबस्ट्रेटम है तो पूरा थैलस बहुत सारी जगह से अटैच है, तभी तो फिल्म बनी। एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है जहां से थैलस सबस्ट्रेटम से अटैच हो, बहुत सारे प्लेसेस से वो अटैच है और एक पूरी फिल्म, एक लेयर बनाई हुई है। ऐसे लाइकन को हम कहते हैं क्रस्टोज लाइकन, क्रस्ट का मतलब एक लेयर। इसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते थैलस को सबस्ट्रेटम से, we cannot separate the lichen from substratum, क्योंकि अगर ऐसा करने की हम कोशिश करेंगे तो lichen जो है वो disintegrate हो जाएगा, simple शब्दों में कहें तो टूट जाएगा। तो इसके examples हमें याद रखने होते हैं, most common example जो है वो है graphis। अभी मैं आपको diagrams दिखाऊंगा, पहले समझा देता हूँ। graphis is a crustose lichen, उसके अलावा lecanora या rhizocarpon, कुछ common example बता देता हूँ जो economic importance में भी आएंगे।
राइजोकार्पोन एक लाइकन है जो क्रस्टोज लाइकन है। फोलियोज, फोलियोज का मतलब लीफ लाइक। देखिए फोलियोज में भी है तो क्रस्टोज की तरह वो अटैच सबस्ट्रेटम से, लेकिन सेवरल प्लेसेस से नहीं, टू और थ्री और मोर प्लेसेस। द लाइकन और द थैलस इज अटैच्ड एट फ्यू प्लेसेस, यानी बहुत कम प्लेसेस से अटैच है। इंडिपेंडेंट यूनिट है, यानी आप चाहें तो लाइकन को अलग कर सकते हैं। अब यहाँ फोलियोज का मतलब है थोड़ा सा हैवी है, क्रस्टोस एक फिल्म थी, ये लीफ लाइक है। सिंपल शब्दों में लीफ लाइक है, क्योंकि लीफ जैसे मान लीजिए किसी सबस्ट्रेटम पर रखा भी है, एक पत्थर पर आपने लीफ रख दिया, ये वो पत्थर है, तो वो वन और टू प्लेसेस से अटैच होगा। जरूरी नहीं है पूरा लीफ उस पर ब्रॉड जो है एकदम से अटैच हो जाए और उसको आप अलग भी ना कर पाए। तो फोलियोज लाइकन जो होते हैं वो सेपरेट किए जा सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड। सो देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन द क्रस्टोज एंड द फोलियोज। क्रस्टोज को सेपरेट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल थिन होते हैं, ये थिकर है एज कंपेयर टू दी क्रस्टोज। सो वेरी सिंपली दे आर लाइक द लीफ। सो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, अपने सबस्ट्रेटम से वन और टू प्लेसेस से ये अटैच होते हैं। तो इसका भी जो है एग्जाम्पल हम हमें याद रखने हैं। पॉलियोस लाइकन के एग्जांपल है पार्मेलिया, ये भी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में पढ़ेंगे। कुछ लाइकन जिनके मैं नाम लिख रहा हूँ कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, जैसे क्लेडोनिया, ठीक है, सिट्रेरिया आइलैंडिका, या उसके अलावा मैंने असनिया भी बताया था। ऐसे ये भी हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में डिस्कस करेंगे, इनके पिक्चर्स भी हम देखेंगे। तो पार्मेलिया जो होता है ये फॉलियस लाइकन। एक और कॉमन होता है कोरा, कोरा इज दी अनदर फॉलियोज लाइकन। नेक्स्ट आते हैं फ्रूटिकोज लाइकन, फ्रूटिंग बॉडी की तरह जो ग्रो करते हैं। जैसा कि मैंने असनिया में भी बताया था कि सबस्ट्रेटम से ये कैसे अटैच हैं, एक डिस्क के थ्रू। एक स्टॉक होती है, एक डंडी होती है, या तो या एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये ऊपर सबस्ट्रेटम है। अब ये केवल एक ही प्लेस से अटैच है, ओनली वन प्लेस, ना कि सेवरल प्लेसेस, और वो प्लेस है या तो स्टॉक या डिस्क। तो देखो ऐसे लाइकन ग्रो कर रहा है एक फ्रूटिंग बॉडी की तरह, मानो ये असनिया ही है, ठीक है, ऐसे लाइकन ग्रो किया हुआ। तो ना तो ये फोलियोज है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये एक जो है थ्रेड है फंगस के ही जैसे, और ग्रो करते हैं कहां पर, स्टॉक पर या डिस्क पर। सो दिस वन इज दी फ्रूटिकोज लाइकन। फ्रूटिकोज का एक एग्जाम्पल तो आप भी बता सकते हैं, असनिया, ओल्ड मैन्स बियर्ड, उसका मैंने पिक्चर भी दिखाया था, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फ्रूटिकोज लाइकन। उसके अलावा जो क्लेडोनिया है, रेनडियर मॉस, वो भी मैंने आपको दिखाया था, वो भी क्या है, फ्रूटिंग बॉडी के थ्रू अटैच होता है। सो दीज टू आर द एग्जांपल्स ऑफ द फ्रूटिकोज लाइकन। सो दीज आर द स्ट्रक्चर और द थ्री टाइप्स ऑफ द लाइकन्स, वन आर द क्रस्टोज, अनदर आर द फॉलियस, थर्ड वन आर द फ्रूटिकोज। नाउ वी विल सी द डायग्राम्स ऑफ दीज थ्री। सो जस्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड वी विल लुक द डायग्राम्स। देखिए एक तो इस पिक्चर से समझते हैं, ये क्रस्टोज है, बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते आप, ये लाइकन का थैलस है ये, ठीक है, नीचे सबस्ट्रेटम है, तो सबस्ट्रेटम पर बिल्कुल एक फिल्म बनाई हुई है, एकदम से अटैच है। आप इसको अलग करेंगे तो सारा जो है थैलस वो डिसइंटीग्रेट होगा। ये फॉलियोज है, ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम, नीचे कलरफुल भी है, ये लीफ लाइक है, तो ये हो सकता है यहाँ से अटैच हो, यहाँ से सबस्ट्रेटम से, और इसको आप अलग भी कर सकते हो। और फ्रूटिकोज में जो है फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है, लाइकन जो है वो एक फ्रूटिंग बॉडी की तरह है, तो ये लाइकन्स हैं फ्रूटिंग बॉडीज पर। कुछ और पिक्चर हम देखते हैं, ये देखो फोलियोज लाइकन है, बेटा अलग से दिखाया हुआ है फोलियोज, ये दोनों फोलियोज हैं जो नीचे हैं, दिस वन इज फोलियोज, दिस वन इज फोलियोज, दिस वन इज आल्सो फोलियोज, लीफ लाइक। मेनली ये तीन ही टाइप होते हैं, उसके अलावा भी है, अभी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो है ये फ्रूटिकोज है, ये फ्रूटिंग बॉडी से अटैच है अपने सबस्ट्रेटम से। एक ये डायग्राम देखेंगे हम, देखिए ये क्रस्टोज है, ये क्रस्ट दिख रहा है, ये
ये बिल्कुल एक फिल्म है अपने सबस्ट्रेटम के ऊपर, इसको आप अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल थिन है, अलग करने लगेंगे तो पूरा जो लाइकन है वो इंडिविजुअली अलग नहीं होगा। जबकि फोलियोज, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको देखें, फोलियोज में देखो आप इसको अलग कर सकते हो बिल्कुल, और ये फ्रूटिगोज, दिस डायग्राम यू कैन रेफर, किसी वेबसाइट का है, बहुत अच्छा डायग्राम है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो अपने नॉलेज पर्पज के लिए, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ये फ्रूटिकॉज है, क्रस्टोज सॉरी, जिसमें क्रस्ट बनी हुई है, ये फोलियोज है लीफ लाइक, और ये फ्रूटिकॉज है जो फ्रूटिंग बॉडी से अटैच है, ये असनिया, ये बेटे, सो दीज आर द क्रस्टोज, फोलियोज एंड दी फ्रूटिकॉज लाइकन। देखिए क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज के अलावा कुछ मिले जुले अटैच जो है अरेंजमेंट भी हो सकते हैं, जैसे एक होता है लैप्रोज, लैप्रोज में पाउडरी अपीयरेंस होता है, पाउडरी लाइकन होता क्या है कि फ्रेगमेंटेशन की वजह से, ठीक है, लाइकन जो होते हैं वो ना तो क्रस्टोज होते हैं पूरे ना फोलियोज, तो कहीं कहीं पर मास होता है उनका, और ऐसे पाउडर लाइक, यानी यहाँ कुछ कॉलोनी है, यहाँ कुछ कॉलोनी है, यहाँ कुछ कॉलोनी, तो ये ऐसे जो है फ्रेगमेंटेटेड या ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड अपीयरेंस है ये कहलाता है लैप्रोज। लेप्रोस का एग्जाम्पल भी लेपेरिया है, एक लाइकन होता है लेपेरिया। तो ये कुछ रेयर या एक्सेप्शनल लाइकन है स्ट्रक्चर के बेसिस पर, अदरवाइज तीन ही तरह के लाइकन होते हैं, क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रूटिकोज। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन एज वेल एज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइकन।